हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा कराई है, जिसमें सभी विषयों के लिए अलग अलग वैकेंसी थी और स्टूडेंटों ने सबसे ज्यादा सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अप्लाई किया था। अब हम बात करते हैं इसके लेवल की। तो जो पेपर का लेवल था बहुत ज्यादा टफ दे दिया था, जिससे लगभग 60 से 70% स्टूडेंटों का मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स थे वो भी नहीं आ पाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग 60% स्टूडेंट तो जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो भी क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब वो इस रेस से पहले ही बाहर हो गए। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने सामाजिक विज्ञान विषय के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, मतलब अनुमानित कट ऑफ, कि मेरे अनुमान से सामाजिक विज्ञान विषय का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जा सकता है। जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और मेल है, और उसके जो मार्क्स हैं वो 100 से लेके 110 के बीच लाई करते हैं, मतलब 100+ नंबर है, तो उसका मेरे अनुमान से तो हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ था। ओबीसी से बिलोंग करता है, उसके जो मार्क्स हैं वो 95 से 100 के बीच लाई करते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके जो मार्क्स हैं 85 से 90 के बीच हैं, तो हो जाना चाहिए। और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके जो मार्क्स हैं वो 80 to 85 है, तो मेरे अनुमान से उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार फीमेल के लिए मैंने बताया था कि यदि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और फीमेल है, उसके मार्क्स जो है 95 से 100 के बीच है, मतलब 95+ है, तो मेरे अनुमान से उसका हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है और फीमेल है, उसके जो मार्क्स है 90 to 90+ है, कहने का मतलब 90 to 95 को मतलब 90+ कितने भी हैं तो उसका नाम जरूर आएगा। और यदि कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी की फीमेल है और उसके मार्क्स 80 to 85 है, उसका हो जाएगा। और यदि कोई स्टूडेंट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके मार्क्स जो है 75 से प्लस है, तो उसका हो जाना ही चाहिए। इस कट ऑफ को बताकर बताया था मैंने, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे कॉल किया और पूछ रहे हैं कि सर, जो इसमें जो कट ऑफ है वो इससे बहुत ज्यादा जाएगा। उनका कहना है कि वैकेंसी बहुत कम है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से इसमें जो कट ऑफ रहेगा वो बहुत ज्यादा जाएगा, लगभग 120 समथिंग कट ऑफ का जाना बता रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास लगभग 20,000 स्टूडेंटों का डाटा है, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि सर, मेरे मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, सारे वीडियो पर जितने कमेंट आए हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 20,000 में से किसी भी स्टूडेंटों के जो मार्क्स हैं, किसी भी स्टूडेंट ने 120 से ज्यादा मार्क्स नहीं बताए, बहुत कम ही है जो 100+ गए हैं। वैसे 95% तो स्टूडेंटों ने 100 से कम ही मार्क्स बताए हैं, 100+ मैं बोल रहा हूँ, केवल 2 या 3% लोगों ने ही बोला है। आप इसमें देखिए, विपिन नेत्राम बोल रहे हैं सर नहीं, सर ज्यादा जाएगा कट ऑफ। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर उमा शंकर, ये बोल रहे हैं सर मेरे सोशल साइंस में 82 मार्क्स हैं। इसके बाद ब्रज मोहन ने बोला है कि सर, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे 101 मार्क्स हैं। यहाँ पर राम बाबू कुर्मी, इन्होंने 82 बताए हैं। एस के ने 94 बताए हैं। अंजलि मिश्रा, इनके 111 मार्क्स हैं फीमेल। इसके अलावा सुखेंद्र साहू के 91 मार्क्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर सुरेश धरबी ने बोला कि सर जी वेरी नाइस कट ऑफ। राजेश वर्मा की बात करें तो इन्होंने बोला सर 89 मार्क्स बन रहे हैं मेरे। इसके बाद यहाँ देखिए गौरव परमा ने बोला सर 89 मार्क्स आ रहे हैं। प्रदीप ने बोला है सर मेरे 88 मार्क्स हैं। इसके अलावा मुकेश राठौर ने बोला 92 मार्क्स हैं। एस के सिंह ने बोला 94 मार्क्स हैं। प्रिंस ने बोला है 80 मार्क्स है सर, फीमेल 80 में क्या चांस है। सोनू यादव ने बोला है सर मेरे एसएसटी में 114 104 मार्क्स हैं ओबीसी से। तो कहने का मतलब मैं आपको बताऊं कि जितने भी मार्क्स बताए गए हैं उसमें 98% मार्क्स 100 से कम है। इसके अलावा 100+ जो मार्क्स गए हैं वो केवल केवल मुझे जो देखी 20,000 कमेंट में, वो ये मान लीजिए आप लगभग 2 या 3% लोगों ने बोला है कि सर मेरे 100+ मार्क्स है, कहने का मतलब किसी ने बोले 104 है, 105 है, 108 है, 107 है, बहुत कम ही लोग हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि 100% जितने भी स्टूडेंटों ने सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई किया था, उसमें से लगभग 60% स्टूडेंट तो पहले ही बाहर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही क्वालिफाई नहीं किए हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंटों ने क्वालिफाई भी किया है तो उनकी कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उससे 1 या 2 नंबर ही ज्यादा है, तो वो स्टूडेंट भी बाहर होने के चांस हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो।
वैसे तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया, यदि उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, काफी हद तक बढ़ जाते हैं बैपम में मार्क्स, तो आप अभी से टेंशन मत लीजिए, पहले रिजल्ट आने दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर काफी बढ़ जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ लोग उम्मीद भी नहीं लगाते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो कट ऑफ दोस्तों आप परेशान बिल्कुल मत होइए, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा, जो मैंने बताया है कट ऑफ इतना ही रहेगा, आप रिजल्ट आने दीजिए और देखिए। और इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है, आपको अप्लाई करने के लिए मैं बताऊं तो इसमें सामाजिक विज्ञान में जिन्होंने भी अप्लाई किया है, इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट में उन्होंने अप्लाई किया है, तो जरूरी नहीं कि जिसका सामाजिक विज्ञान में हो वो उसी में सिलेक्शन ले, हो सकता है किसी स्टूडेंट का सामाजिक विज्ञान के साथ हिंदी में भी सिलेक्शन हो गया तो हिंदी के लिए ज्वाइन कर सकता है, तो इसकी वो वैकेंसी छोड़ देगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में देने के साथ उन्होंने सेकंड ग्रेड में ही डाला है, और बहुत सारे नहीं, सारे के सारे 2.5 से 3 लाख जितने स्टूडेंटों ने फर्स्ट वर्ग के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने सभी ने सेकंड वर्ग के लिए अप्लाई किया था, तो वो सारे लोग सेकंड की, अगर उनका सिलेक्शन फर्स्ट में हो जाएगा तो वो सिलेक्शन सेकंड में भी ले लेंगे, ये कंफर्म बात है। तो सेकंड की वैकेंसी 100% छोड़ेंगे, तो इसमें आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप यदि आपके थोड़े से भी मार्क्स ज्यादा है या फिर आपके कट ऑफ से लगभग 7-8 नंबर भी ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बल्कि अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।